गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और बताओ। और सुनाओ, कैसी कैसी पढ़ाई चल रही है? तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंपल मेटलर्जी। देखो, वैसे तो इंजीनियरिंग में एक आपकी ब्रांच है मेटलर्जी की, ठीक है? आप उसके बारे में पढ़ते हो, मेटलर्जी के बारे में बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ोगे। आप तो सुना भी होगा जो इंजीनियरिंग करते हैं। मैम सबको बोल देना क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो मेटलर्जी एक ब्रांच है आपकी। सिंपल ब्रांच बोले तो आप क्या देखोगे कि आप अभी डिटेल में पढ़ोगे जब आप इंजीनियरिंग करोगे, तो जैसा कि मैंने 4 साल आप मेटलर्जी को ही पढ़ेंगे, माइनिंग वगैरह, कैसे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, मेटलर्जी को यदि मान लो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि भाई कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें? कुछ ऐसा कुछ है कि मतलब हमें हर चीज में फायदा हो, बेनिफिट हो, सब कुछ के हिसाब से कोई बता सकता है? सिंपल बोलो। जो प्रोसेस होना चाहिए मोस्ट एफिशिएंट वे में करना चाहिए। ठीक है, और हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो और बताओ। प्रॉफिटेबली होना चाहिए, ठीक है। फिर जिस मेटल की माइनिंग कर रहे हैं उसका और उस मेटल में कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ये बात भी सही है ना? मतलब उसका अब ऐसा नहीं है आप मिट्टी उठाए कहीं से भी, बोले चलो हम इसमें से गोल्ड निकालते हैं, है ना? ऐसा नहीं होगा ना। आपको यदि मान लो कहीं भी आप सिंपल मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके लिए क्या होनी चाहिए बोलो? आपको उस मेटल का कंसंट्रेशन तो ज्यादा होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बोला। क्या नाम है, कुणाल? तो मेटल का जब कंसंट्रेशन होगा ज्यादा तभी तो आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब आप सोचें कि मान लो कॉपर मेटल है, कॉपर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, कॉपर मान लो आपकी 0.5% है और उसमें गोल्ड है मान लो 50%, तो अब आप क्या निकालो? कॉपर निकालने तो नहीं जाओगे ना। कॉपर निकालोगे तो बहुत नुकसान भी होगा, क्योंकि पता है तुम्हें ये पूरी इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है ना? ये पूरा का पूरा इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो देखो, यदि मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, सबसे पहले मिनरल्स और ओर्स की बात करते हैं। देखो, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, बस मैं एक रामायण सी पढ़ता जाता हूँ, आप समझते जाना। तो यदि आपने देखा होगा मेटल को जनरली जो यूज करते हैं, हम लाइफ में, जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, हमारी बहुत सारी यूजेस भी हैं मेटल की। बताओ, जनरल लाइफ में यदि हम बोले डेली लाइफ में क्या मेटल का यूज है? कोई ऐसी मेटल बताओ जिसका हम यूज करते हो डेली। हर जगह मेटल यूटेंसिल्स, एल्युमिनियम यूज होता है, यूटेंसिल्स हो यूटेंसिल्स गया, में और वायर्स में, वायर्स में और सर वेपन्स में भी यूज होता है, वेपन्स में भी होता है, और मोबाइल सबसे फोन, अच्छा कंप्यूटर्स। तुमने एक चीज सुना होगा, खाना बनाने में, जो खाना में जो होता है ना, आप जब मम्मी ने खाना गरम गरम बनाया, बढ़िया से पराठे आलू के, सर्दियां चल रही हैं, और फिर उन आलू के पराठों को पैक करती हैं, वो स्कूल ले जाते हो आप लोग, अब तो स्कूल जा रहे हो, है ना? तो आप उसमें क्या गोल्ड फॉइल का यूज करते हो, सॉरी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉइल का, फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हो, है ना? और एल्यूमिनियम फॉइल का जब यूज करते हो तो वो भी क्या है, मेटल है एक टाइप की। अच्छा, यस, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल हम क्यों यूज करते हैं वहां पे बोलो? हम एल्यूमिनियम फॉइल को यूज किया क्यों किया, यदि कोई आपसे पूछ ले? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें, क्या होती हैं? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, हाँ, और एंटीबैक्टीरियल भी होता है। एंटीबैक्टीरियल भी होता है। ये तो, ये तो तुमने जनरल बताया, एक सिंपल मुझे मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज से बताओ। सर क्या एल्यूमिनियम की यूज करते हैं? हाँ, एल्यूमिनियम, हाँ, मेलेबल होता है इसलिए। और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, थर्मल ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। है ना? और मैं बात करूँ सिंपल, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए हम सिंपली किसका यूज करते हैं बोलो?
हम इसका यूज करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान, ऐसा नहीं कि बहुत से जो आपने सुना होगा बहुत पहले राजा महाराजा होते थे वो गोल्ड फॉयल का भी यूज करते थे ना, आपने देखा है ना, आपने सुना सिल्वर फॉयल का भी यूज करते हैं मिठाई वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं है सबके अपने अपने एक वो होते थे है ना, और अभी भी करते हैं। आपने देखा होगा एक चॉकलेट, तुमने सुना होगा अभी एक वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे कि कितने की थी, शायद 1 लाख की थी ऐसी कुछ चॉकलेट थी, उस पे एक गोल्ड फॉयल था, उसकी वजह से वो महंगी हो गई चॉकलेट। तो ऐसा नहीं है, यूजेस हैं बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, जैसे हम यूजेस देखते हैं, देखो ये आपने बोला था कुकिंग में यूज करते हैं है ना, घर में मम्मी चमचा चम्मच कढ़ाई कुकर यूज करती है ना फल को रखने के लिए, आप सिंपल यूज करते हैं। अच्छा एक बात है ना, आपने स्टील के बारे में सुना होगा, सुना है किसी ने, स्टील में क्या होता है, यस किसका क्या होता है स्टील, अनाज किसका होता होता है, किसका होता है। अच्छा स्टील में मैं तुम बताओ किसका होता है, निकेल, एक दूसरा और बताओ नाम, चलो एक तो मैंने बता दिया बोलो, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है ये बात तो बिल्कुल सही है। पता है इसमें कार्बन भी होता है कुछ परसेंट, याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपका क्या होता है बोलो, जो आपका सिंपल स्टील होता है इसमें कौन सी नॉन मेटल यूज होती है, तो उसमें कार्बन का भी कुछ यूज कर लेते हैं। ये सब 10th में आपने पढ़ा होगा, बहुत ध्यान से भी चीजें आपने पढ़ी हो, तो आपको बहुत मजेदार चीजें हैं इस तरीके से आपने पढ़ा हो। ठीक है, आपने एक 10th में एक रिएक्शन भी पढ़ी हो थर्माइट रिएक्शन, सब तुम पढ़ोगे पूरा, वही सब सारी रिएक्शंस पढ़ोगे, बस आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा, सही, बस सिंपल सरफेस दिखा दी जाएगी कि ये मेटलर्जी है, और नीट में तो आपको सिलेबस में आगे पढ़ना नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में यदि आप लेते हो ब्रांच तो आपको मिलेगी। चलो आज कुकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप देख लो, आपने देखा होगा आजकल यदि हम बात करें तो देखो ये आप कार वगैरह है ना स्टैंड ये सब किस में, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। चलो ये देखो मेडिकल इक्विपमेंट, ये तो जो मेडिकल वाले हैं इनका तो बहुत ज़्यादा यूज करना है ऑपरेशन करने के लिए, क्यों है ना, सीजर्स सिंपल हैं, तो ये भी आपके क्या होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं। अब देखो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जितने भी इंडस्ट्रियल में जो मशीनें लगी होती हैं बड़ी बड़ी, आप देखो महंगी महंगी मशीनें आती हैं, तो उसमें क्या होता है बोलो, सिंपल यही सब होता है ना, मेटल्स ही होती हैं। आपने सुना हो एक्सरे, सुना है किसी, जो बच्चे सुन है ना, ये तो आप मेडिकल वाले भी सुनते हैं एक्सरेज, और एक्सरेज की यदि मैं बात करूं तो एक्सरेज में भी, अच्छा क्या तुम्हें पता है एक्सरेज कभी खत्म हो सकते हैं, जैसे मान लो आपने किसी पे एक्सरेज गिराई किसी पर्टिकुलर चीज पे या मेटल पे या किसी पे, क्या वो एक्सरेज खत्म हो गई वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हो, बोलो तुमने देखा है कभी भी एक्सरेज तुम कराने जाते हो तो तुमने देखा होगा एक बंदा होता है ठीक है, और वो बंदा क्या होता है कांच के पीछे खड़ा होता है, वो एक जैकेट पहने होता है लेड की, लेड की जैकेट क्यों पहनता है वो, एक्सरेज पास नहीं कर सकते, हाँ पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं। चलो अब देखो यदि मैं बात करूं तो ध्यान समझना, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं जो देखो आपको सिंपल सी, आपको दो स्टेट में ही मिलेगी, एक तो नेटिव स्टेट में मेटल मिलेगी और एक कंबाइन स्टेट में मिलेगी, बोलो कंबाइन स्टेट में कौन सी मेटल मिलेगी, एक सिंपल सी बात बताओ। जैसे मान लो किसना है, किसना की दोस्ती बहुत ज्यादा है, रिएक्टिव है, ये सामाजिक आदमी है, घूमता है फिरता है स्कूटी से हर जगह, तो उसको लोग जानेंगे, बोलो रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये कैसे स्टेट में मिलेगी, बोलो कैसे स्टेट में मिलेगा किसना आपको, हमेशा दोस्तों का कंबाइन में मिलेगा, दोस्तों के फॉर्म में मिलेगा। अब मैं यदि यही बात करूं कंबाइन की, बोली नेटिव स्टेट की, जैसे मान लो किसना बहुत पढ़ता है उसे किसी से मतलब नहीं है दुनियादारी से, तो वो कैसा मिलेगा बोलो, नेटिव स्टेट में मिलेगा। यदि आपने बात याद हो तो मैं एक तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई क्लास 10th में पढ़ी है, बोलो तो आपने यस देखो, सर और आपने यदि याद हो लिकवा सरकाना मगल मंजन करफी कड़को, आपने यहाँ भी पढ़ी थी मेट, उसमें किसमें बोलो कौन से वाले चैप्टर में, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, वहां भी आपने पढ़ी थी, तो हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी देखा था।
तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, जो आपने देखा हो मेटल की, जब आप रिएक्टिविटी देते हैं सोडियम पोटेशियम ऊपर होती हैं, तो ये हमेशा आपको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलेंगी बोलो? फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी। ये किस स्टेट में मिलेंगी बोलो? ये कंबाइन स्टेट में मिलेंगी हमेशा। इस बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है? नेटिव मतलब सिंपल अकेला है ना, और कंबाइन मतलब बहुत सारे और सारे मिनरल्स, ओस आपकी सिंपल सी डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे है ना इम्प्योरिटीज वगैरह मिलके आपको और मिलेगी। अब देखो जी, ये जैसे समझ लो, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये पूरा रेडियस कितना है अर्थ का बोलो? 6370 किलोमीटर है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है, 5100 पे क्या आउटर कोर है, ये इनर कोर है। मेंटल कहाँ पे है? 2900 किलोमीटर। क्रस्ट, क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक, ठीक है? ये वाली आपकी क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट ऊपर वाली, सिंपल। अब देखो ये बात हो गई। अब हमें मान लो कहीं से भी और निकालनी है, मतलब मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात, तो आपको ये अपनाने पड़ेंगे सिंपल, ये एप्लीकेशंस हैं। आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बोलो? यदि हम देखें तो हमें सिलेक्शन ऑफ ओर्स करना पड़ेगा। बोलो पहला काम कि कौन सी, अब ऐसा नहीं कि कोई भी ओर सिलेक्ट कर लो। अब मान लो उसमें ओर में मेटल का कंसेंट्रेशन 5% जैसे कि हमने बोला, और तुम निकाल रहे हो उसी से ओर से, भैया कोई भी आपका कंट्री है उस मेटल को नहीं निकालने देगा, क्योंकि बहुत ही लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप उसमें निकालते रहो और कुछ कंसेंट्रेशन मिलेगा नहीं। फिर दूसरा क्या करोगे आप? कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। फिर आप क्या करोगे? उससे एक्सट्रैक्शन करोगे। फिर आप उसका रिफाइनिंग करोगे। हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना? और रिफाइनिंग के बाद आप फिर क्या करोगे? सिंपल बोलो, आपको वहां से प्योर मेटल मिल जाएगा। ये आपको सिंपल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब यदि मैं बात किया यहाँ तक, ध्यान समझना। अब देखो, अब मिनरल्स का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? 10th में पढ़े होगे आप लोग, बोलो बोलो कोई बच्चा, मिनरल्स क्या है बोलो? नेचुरली अकरिंग, जो क्रस्ट पे मिलेगा नेचुरली अकरिंग, उसे क्या बोलेंगे? बाय माइनिंग के मेटल जो फ्री स्टेट में भी मिल सकती है, कंबाइन स्टेट में भी मिल सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे बोलो? फ्री स्टेट में भी मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे? नेचुरल, और कंबाइन स्टेट में भी मिलेगी, तो हम उसे सिंपल हम बोलेंगे मिनरल, ठीक है? अच्छा, तो हमने एक चीज तो जान लिया सिंपल। अच्छा, और किसे बोलते हैं बताओ? बिल्कुल सही बात है ना, तो वो चीज फर्क पड़ता है, ठीक है? ये बात भी आप क्लियर हो गई। चलो अब और कंटेन क्या क्या करेगा बताओ? तो मेटल सिंपल क्या हुआ, इम्प्योरिटीज होंगी उसके पास, अनडिजायर्ड, इसी को जो इम्प्योरिटी होती है क्या बोलते हैं? उसका एक नाम है, यदि किसी को याद हो बोलो। गैंग्यू। गैंग्यू, वेरी गुड, उसको गैंग्यू बोलते हैं, ठीक है? ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक, बोलो ठीक है? तो याद रखना, जो जितनी भी इम्प्योरिटी, इसी गैंग्यू तो हमें क्या करना है बोलो? आउट करना है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ ऑप्शन ए हैं? कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ओर्स होता है उसे, क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं, वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो कहां से कहां? फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन 50 किलोमीटर पे, वेरी। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ हम देखो, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिनरल्स, ओर्स, कुछ एलिमेंट दे दिए जाएंगे आपको, पूछ लिया है मिनरल किसके हैं, ओर्स किसके हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब हम सिंपल सी बोले, जैसे आपने सुना होगा बॉक्साइट ओर, सुना है? अच्छा, किसी ने डोलोमाइट सुना है? डोलोमाइट क्लास 10th में सुना होगा, डोलोमाइट सुना है बोलो?
याद नहीं, चलो अपन सब याद कर लेंगे। यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कैसा एलिमेंट है बोलो, आपका नेचर में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बोलो, है ना, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जिसमें यदि हम बात करें तो कितने परसेंट मिलेगा आपको, 8.3% मिलता है अप्रोक्स बाई वेट के। अच्छा अब आप बताओ एल्यूमिनियम की ओर इम्पोर्टेंट है, कौन सी इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनियम की ओर, अभी हम बताएंगे। आयरन भी कितना होता है बोलो, आयरन का तो बहुत ज़्यादा यूज है यदि आप नोटिस करो जनरल लाइफ में। यदि आप बताओ आपके हीमोग्लोबिन में भी कौन सा आयरन होता है बोलो, Fe+2 या Fe+3? और याद रखना जो Fe होता है, आयरन होता है, ये आपका सिंपल सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। अबंडेंट मेटल होता है अर्थ क्रश, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रख लें। तो थर्ड कौन सा था बोलो, एल्यूमिनियम, और सेकंड कौन सा है, आयरन। तो देखो यहाँ पे देखो, अब Fe जो था, ये तो सभी लोग बच्चे जानते हैं सिंपल, Fe क्या है बोलो, सिंपल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, जो कि हमारे सिंपल हीमोग्लोबिन में, दी आप देखो तो क्या यूज करता है बोलो, ऑक्सीजन को बोलो, हीमोग्लोबिन सप्लाई, जो सप्लाई होता है ना उसके लिए यूज होता है सिंपल। ये तो बायो वाले बच्चे पढ़े होते। अब देखो यहाँ पे देखो एक बात देख रहे हो, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आर मेटल दैट अटर टू सम बेटा, यहाँ पे Fe नेटिव स्टेट में नहीं मिलता है, थोड़ा ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। Fe आपकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन के ऊपर है ना आप, Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये आपको नेटिव स्टेट में तो मिल ही नहीं सकता आयरन। तो यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो सिंपल कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कैसे हैं आपके बोलो सर, कॉपर भी मिलेगा, कॉपर मिल जाता है, कॉपर आपको मिलता है, लेकिन दो मिल जाएंगे तुम्हें, कॉपर भी मिल जाएगा, सिल्वर भी मिल जाएगा, गोल्ड भी मिल जाएगा, प्लेटिनम भी मिल जाएगा। पता प्लेटिनम बहुत महंगा मेटल है, ये हाँ गोल्ड से भी ज्यादा महंगा मेटल है, और यदि बात करें तो प्लेटिनम को भी लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, ये बहुत कम लोग पहनते हैं, हर कोई नहीं पहन सकता है प्लेटिनम को, है ना, हम लोग सिर्फ डायमंड तक ही सोचते हैं, नहीं भैया प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है, बहुत महंगी होती है ना। और यदि हम बात करें, अच्छा डायमंड के बारे में जैसे मैंने बात की थोड़ी सी, तो डायमंड के बारे में थोड़ा सा बताओगे मुझे, डायमंड क्या है क्या नहीं है? सिर्फ कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। अच्छा एक बात आओगे, जो सिंपल फुलरीन की डिस्कवरी की है वो किसने की है? बकमिंस्टर? नहीं, वो तो उनके नाम पर है, नाम पर वो पता है, एक्चुअली डिस्कवरी उन्होंने स्ट्रक्चर की थी, किसकी की थी, स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर की, और उसकी उन्होंने क्या किया था, सिंपल डिस्कवरी की थी। लेकिन यदि आप पढ़ो ई कर्ल ने, है ना, उन्होंने क्या किया था, सिंपल ग्रेफ किसका, फुलरीन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे ये, आप 11th की एनसीईआरटी नहीं पढ़े भैया, पढ़ लो, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 11th की एनसीईआरटी जब आप खोलोगे, आपको एनसीईआरटी में जब आप जैसे फुलरीन पे आएंगे तो फुलरीन में नीचे ही लिखा होगा, आपको पहले ही उसके साइंटिस्ट के नाम दे दिए होंगे, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में ही लिखा होगा, तो इसको याद रखो, और नीट वाले तो जरूर याद रखें, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन बकमिंस्टर फुलरीन आएगा और टिक करके तुम क्या होगे, बकमिंस्टर फुलरीन को ही आओगे। चलो तो डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर? बैड। और हीट, हीट गुड या बैड? गुड कंडक्टर, गुड। तो आयरन की बात करते हैं, एक तो हेमेटाइट हो गया Fe2O3, ठीक है, एक मैग्नेटाइट हो गया। अच्छा मैग्नेटाइट तुमने एक चीज ध्यान रखना, Fe3O4 है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, FeO और Fe2O3 का Fe3O4 बनता है, ठीक है। और लिमोनाइट, ठीक है, और चौथा होता है आयरन पायराइट, फिर हो गया सिडेराइट, ठीक है ना। तो ये आपके सिंपल ये हो गए, याद करवा दें, ऐसे कर लो, हेमा मालिनी, ठीक है ना, हेमा मालिनी,
हेमा मालिनी ने तो ऐसे ही हो जाएगा, ने ली थी, ली मतलब समझ रहे हो, एल आई मतलब आयरन, ली थी सिडनी की फ्लाइट, ऐसे याद रख, ली थी सिडनी की फ्लाइट, सिडनी की फ्लाइट, तो सिडनी फॉर सिड राइट, ठीक है ना, ऐसे आप याद कर लोगे। तो हेमा मालिनी ने ली थी सिडनी की फ्लाइट, हेमा मतलब हेमेटाइट, मा फॉर मैग्नेटाइट, ली फॉर लिमोनाइट और आयरन पायराइट, ठीक है, और सिडराइट, सिंपल सिडनी, तो आप इससे याद रख लो। चलो तो देखो यहाँ पे भी हम बात करें तो सबसे ज्यादा किससे मिलता है आयरन, बोलो, आप हेमेटाइट को यूज करते हो सिंपल, है ना, आपने सुना होगा हेमेटाइट का सबसे ज्यादा यूज है, इसी ओर से हम क्या बनाते हैं आयरन। अब जिंक की हम बात करते हैं, तो जिंक की देखो बात करें, आपको जिंक ब्लेंड याद हो, एडवांस में मैंने पढ़ाया था ZnS टाइप स्ट्रक्चर, याद है, बताओ। अच्छा इसमें जो जिंक होता था, चलो एडवांस वालों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो कहाँ पे रखा रहता था, अल्टरनेटेड टेट्राहेड्रल हेडल, मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती थी, फिल होती थी, जिंक ऑक्यूपाइड, ठीक है, हाँ बिल्कुल, और जिंक साइट होता था तीसरा यहाँ पे, कैलेमेनाइट, ठीक है ना, ये भी याद, जिंक कार्बोनेट होता है, जिंक ब्लेंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो और सबसे ज्यादा यहीं से आपको क्या मिलता है, जिंक मिलता है। तीसरी बात करते हैं, चलो कॉपर की बात करते हैं, कॉपर पायराइट CuFeS2, ठीक है, मैलेचाइट और आपका आ गया क्यूपराइट, ठीक है, और कॉपर ग्लैंस, तो ये आप याद रख लेना। तो इसकी जो मेन है, तो आप देख रहे होगे ये क्या है, कॉपर पायरेट, मतलब ऊपर से नीचे है, आप देख रहे हो डिक्रीजिंग, कम छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, क्रायोलाइट, फिर चाइना क्ले, याद रख लेना इनके डायरेक्ट आपको नाम आते हैं तो, ठीक है, तो बॉक्साइट फेमस और है इनके, याद रख लेना। आपको कभी कभी डायरेक्ट जेई मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो मैलेचाइट दे दिया, या मान लो उसने बोला कौन सी कॉपर की ओर है, आपको तीन या चार दे दिए और आप सिंपल उस पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पहचानना होगा किसमें और होती है ना, कॉपर की ओर कौन सी है, एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है, इस बात को ध्यान रखना। मैग्नीशियम की अब याद आ रहा होगा कुछ, डोलोमाइट करके कुछ याद आ रहा है, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, MgCO3 CaCO3, ये टेंथ में भी कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों मिल जाएगा, मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है, कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। फिर इप्सम सॉल्ट हो गया, याद रखना इप्सम सॉल्ट में क्या होता है, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने अभी बताया था तुम्हें, सिंपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, बताओ फॉर्मूला क्या होता है हेमेटाइट का, Fe2O3, Fe2O3, वेरी गुड, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सिंपल आपका डी आंसर हो गया। बताओ Fe3O4, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वाह भाई, अभी हाल बताया था, देखो यहाँ पे वो मैग्नेटाइट था, ये मैग्नेसाइट है, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे ये देखो, ये मैग्नेटाइट है और वो मैग्नेसाइट था, ध्यान से सुना को, देखो बहुत, तो ये नाम में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जी में हो क्या, क्या बोल रहे हो बेटा, मतलब जी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, फॉर्मूले तो हम तो अभी जस्ट याद करने के लिए बता रहे हैं, इसमें जेई के आपके वो आएंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसका, मैग्नेटाइट नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कौन सी ओर है, तो आपको याद कैसे होगी, ओर तो याद रखनी पड़ेगी ना, आप क्वेश्चन डायरेक्ट ओर का ही आ जाता है डायरेक्ट। इप्सम सॉल्ट किसे बोलते हैं, पता ही नहीं है इप्सम सॉल्ट किसे बोलते हैं, बताओ किसे बोलते हैं, ऑप्शन डी, हाँ कितने होते हैं, MgSO4.7H2O, अच्छा एक बात बताना, कुछ बिट्रोल होते हैं, एक ब्लू बिट्रोल होता है, किसे बोलते हैं ब्लू बिट्रोल, कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। एक आपका व्हाइट विट्रोल भी होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2। एक आपका सिंपल ग्रीन विट्रोल भी होता है, FeSO4। वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोगों को याद ही नहीं होता। ठीक है, आपको यदि याद हो आपने क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, FeSO4 का हीटिंग इफेक्ट। यस, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है, या और आपने पी ब्लॉक में भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई थी, FeSO4 का हीटिंग इफेक्ट किया था तो क्या बनाता उसमें, दो गैस निकलती है Fe2O3 प्लस SO2 SO3 है ना। जब आप इसको हीट करते हो, एक्चुअली पहले ग्रीन कलर में होता है, ध्यान समझ लो, क्वेश्चन आता है ग्रीन कलर में होता है। जैसे ही आपने इसको हीट किया तो क्या मिलता आपको, आपको मिलता है FeSO4 एनहाइड्रस प्लस 7H2 निकल गया। इसको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बोलेंगे, ठीक है। अब आप इसको सिंपल हीट करेंगे फिर से, जैसे ही आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, Fe2O3 मिलता है ब्रेडिस ब्राउन कलर का, प्लस SO2 गैस मिलती है, प्लस SO3 गैस मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। यही एक इकलौता कंपाउंड है जहाँ पे आप इस फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, SO2 और SO3 गैस दोनों मिल जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ऐसा मुझे एक दिमाग में आया कि जो HNO3 है, यदि मान लो हमने जिंक की, मान लो हमने सिंपल किसी की, मान लो जिंक की रिएक्शन हमने HNO3 से करा दी, तो क्या बनेगा, एक इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट ऑफिसर डिपेंड करता है गैस का, मतलब अगर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बन जाएगा। वेरी गुड। अगर डाइल्यूट है तो N2O बन जाएगा। N2O मिल जाएगा, वेरी गुड। ये बात तो सही बोली तुमने। तो अच्छा ऐसा बताओ, वैसे तो आपको पता है हमने एक बात बताई थी, आप जिंक की रिएक्शन कभी भी एसिड से करते थे तो मान लो किसी भी मेटल की रिएक्शन, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल यदि मेटल की रिएक्शन हम सिंपल किसी भी एसिड से करते थे तो क्या बनता था बोलो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कोई बच्चा आंसर बता सकता है व्हाई? वेरी गुड। और तो सिंपल है, यहाँ पे जो आपको साइड प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको NO2 N2O ये मिलते हैं। अच्छा, लाफिंग गैस का नाम क्या है, फॉर्मूला बोलो। N2O, हाँ, लाफिंग गैस। बोली सुने थे वो मूवी, देखे थे एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी, अक्षय कुमार की मूवी थी, हाउसफुल। हाँ, वो हंस हंस के वो वाटर गैस, वो क्या लाफिंग गैस लगा देता है और वो हंस हंस के पागल रहते हो जाते हैं, है ना। तो हाउसफुल मूवी में वो सिंपल वही खेल है, तो N2O। अब एक बात ध्यान रखना, ये बात तो आपको क्लियर हो गई, N2 भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी मिल सकता है, आपको नाइट्रोजन का प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे दो मेटल ऐसी होती थी जिनका यदि हम HNO3 से रिएक्शन कराते तो सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती थी, ऐसी कौन सी दो मेटल थी बोलो? MgMn। मान लो क्वेश्चन Mn, हमने एक बात बताई थी, मन मांगे, याद है, मन मांगे मोर। तो आप याद रख लोगे, आप इसकी रिएक्शन आप HNO3 से कराएंगे डायल्यूट HNO3 से तो आपको क्या मिलेगा, Mn NO3 सॉल्ट मिलेगा इसका, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, यही दोनों मेटल होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती हैं। मैंने याद आ गया, मैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बताता था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। चलो मेटलर्जी किसे बोलेंगे बताओ, बोलो। आप सिंपल मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे नेचुरली अकरिंग मेटल, जो भी मिनरल्स हैं, प्रॉफिटेबली कॉमर्शियली, है ना। आप सिंपल जब आप निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मेटलर्जी
बोलेंगे कन्वीनियंटली, आपने जैसे बोलते हो सारे यहाँ पे शब्द आएंगे, आप वहाँ पे क्या बोलोगे, सिंपल मेटलर्जी बोल दो, मतलब उसी प्रोसेस को बोले, मेटल को निकालने की प्रोसेस को ही क्या बोल रहे हैं, मिनरल से मेटल को निकालने की प्रोसेस को ही हम सिंपल मेटलर्जी बोलते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल ओर आर मिनरल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू। अच्छा यदि मान लो मैं बोलूं ऑल मिनरल आर ओर, सर फॉल्स। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आया है तो ध्यान रखना। कुणाल आज शांत बहुत हो, क्या हो गया, तबीयत तबीयत सही नहीं है क्या, अभी सही नहीं हुए, फिट मेरे नहीं से हुए, सही है, पहले गला वाला सही है अब? से बेहतर है। इन्फेक्शन क्या हो गया था? हो गया था सर। तुम तो बोलते भी नहीं हो इतना, इन्फेक्शन कैसे, क्या हो गया भाई, क्या खा पी पता लिए नहीं थे, सर, जून से था। क्या खा लिए थे, उल्टा सीधा खा लिए हो गए? नहीं सर, ज्यादा नहीं खाता हूँ। अच्छा बाहर का खाते नहीं हो क्या? नहीं सर, ज्यादा नहीं खाता इतना। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, सिंपल देख रहे हो, है मेटल से सिंपल, देखो एस्टेक करते चले गए, गोल्ड कर लिया, एल्यूमिनियम कर लिया, कार भी बना दी उससे, साइकिल भी बन गई, डोले सोले भी बना दिए तुमने, सिंपल। चलो देखो, यदि मैं बात करूं जो सिलेक्शन होता है मिनरल का ओर पे, वो डिपेंड करता है ना, किस पे डिपेंड करेगा, देखो ध्यान से, द परसेंटेज ऑफ मेटल इन द मिनरल, सिंपल सी बात है, तो मैंने ही बताया था, परसेंटेज तो मेटल का डिपेंड करेगा, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्प्योरिटीज इन द मिनरल, सिंपल नेचर और नेचर भी डिपेंड करेगा, उसका क्या नेचर है, उस मिनरल का क्या नेचर है, या सिंपल कैसे नेचर कैसी, क्या उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, इन पर भी डिपेंड करता है, उस पर क्या खर्चा आएगा, है ना, जब आप सिंपल मिनरल से मेटल को निकालेंगे उसमें क्या पैसा खर्च होगा, कितना होगा, कि 50 लाख, 1 करोड़, क्या पैसा खर्च होगा, वो भी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिंपल, अब देखो, अब यदि मैं बात करूँ सिंपल, देखो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी में, है ना, यदि हम बात करें सिंपल, तो क्या होगा, मेटल एक्सट्रैक्ट, क्या उसका बाई प्रोडक्ट, कैसे वो प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे वो बेचा जाएगा, ये सारी बातें डिपेंड करेगी ना, किस तरीके से बनाओगे, किस तरीके से बेचोगे, क्या रेट रखोगे, ये सारी भी डिपेंड करती है, वो सब किस पे डिपेंड है बोलो, ये सारी बातें किस पे डिपेंड है, ये सारी बातें उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने पे कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं सिंपल, यदि आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को निकालना है ओर से, तो कैसे, मेजर स्टेप है, पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब आप पहले क्या करेंगे, सिंपल रिमूवल ऑफ गैंग्यू करेंगे, ठीक है, गैंग्यू बोलो तो मतलब इम्प्योरिटी, सिंपल। फिर आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है आपको, प्यूरिफिकेशन करना है, ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन की हम बात करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान समझना, क्या करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द आइसोलेटेड मेटल, पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कैसे पता लगेगा, जब आप सिंपल जितना भी उसमें इम्प्योरिटीज होगी आप उसको निकाल देंगे, उसको आप निकाल देंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल मेटल, मतलब मेटल की ओर मिलेगी, मतलब जो फालतू की होगी, ऐसा नहीं कि आपने गैंग्यू निकाल दिया तो आपको मेटल मिल गई, है ना, बल्ले बल्ले होने लगी, डांस होने लगा, अरे वाह मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, नहीं भैया, आप फर्दर रिएक्शन कराएंगे, फर्दर आप उसको प्रोसेस से पास कराएंगे, एक्चुअली जब भी हम किसी भी ओर को लेते हैं तो पहले हम उसको फाइन फाइन मतलब थोड़े, तो सिंपल उसको छोटे 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 इतने छोटे छोटे बारीक टुकड़े करते हैं, जिससे वो क्या फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, फिर हम उसको मैग्नेटिक उससे पास कराते हैं, काफी टर्न होते हैं, एक एक टर्म बाई टर्म बाई टर्म बाई हम चलते चले जाते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग में भी आपकी कुछ इम्प्योरिटी निकल जाती है, कुछ आपकी यदि मान लो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो हम उसको रोलिंग चला देते हैं मैग्नेटिक वाले, इस तरीके से जो दो होते हैं, अभी आगे आएगा आप देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे पट्टा लगाओ तो यहाँ पे आपकी ओर पड़ी होती है ना, बिल्कुल फाइन में पार्टिकल में, अब क्या होगा, जैसे मान लो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होगा तो वो थोड़ा लेट तक जाएगा, यहाँ गिरेगा, और जब मैं जिसमें क्या नहीं होगा बोलो,
सिंपल कुछ नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ करो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बताओ। सी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बोलो। सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सिल्वर। तारिक आया है आज? यस सर। ऐसी पढ़ाई चली बेटा, मेहनत स्टार्ट कर दो तुम लोग सभी लोग। देखो मैं तुम लोगों को फिर से एक बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग कर दो मेहनत, सभी जितने भी आप लोग हो नीट जेई में, भैया लग जाओ मेहनत करना। बोर्ड की वजह से वैसे भी तुम ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हो, कुछ चैप्टर्स भी आपके एक दो चैप्टर लास्ट के छूट गए होंगे, किसी ने ली नहीं है, किसी ने क्लास ली, किसी ने नहीं ली। तो भैया पढ़ते रहिए बहुत ध्यान से और अच्छे से। अच्छा तुमसे मैंने बोला था वो टेस्ट के लिए बात की थी सर से, क्या किया था तुमने? बात नहीं करी, किससे करनी सर? अरे भाई सर से पूछते तुम। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली वो आईटी सेक्टर देखते हैं, तो वो करवा देंगे तो टेस्ट सीरीज तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, देखो मेरा तो बस सिलेबस खत्म है, कुछ नहीं बचा इसके बाद। एडवांस में जो पढ़ना है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही एक्स्ट्रा में, ठीक है। क्लास होगी इस वीक भी है शायद, आई थिंक नेक्स्ट, तो वो तो क्लासेस होंगी। और जो कुछ रह जाएगा तो अब टाइम ही टाइम है आपका। एनसीईआरटी तो खत्म हो चुका है पहले से, बताओ यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है सर, ऑप्शन है ऑप्शन। मैग्नेटाइट भी होता है, लिमोनाइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है। वेरी गुड, ठीक है। चल हमने भी बताया था सिंपल, पहली वॉशिंग के बारे में बताया था। बोलो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए पहला क्या है आपका? हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करोगे देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपल अनवांटेड गैंग्यू जैसे सैंड हो गया, किले हो गया, है ना, ओर में जो जुड़ा हुआ वो क्या करोगे आप, उसको अलग कर दोगे। इसी को हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ड्रेसिंग भी बोलते हैं, और इसी को हम बेनिफेक्शन भी बोलते हैं। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, वो देखते हैं। तो देखो यहाँ आपको गैंग्यू लगी हुई है चारों तरफ, तो दिख रही है आपको? बोलो मेटल कहाँ पे? यस सर, यस सर। अब देखना ध्यान से, विजुलाइज करना। तो ये कंसंट्रेशन अब हमें किसका निकालना, बोलो। वो देखो इस तरीके से क्या हो गया, निकल जाएगा, ध्यान से समझो। देखो ठीक है, आप जैसी अब ये मेटल कंपाउंड आपको मिल गया। अब देखो ये आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर मिल गए, ठीक है। अब ध्यान समझना, जब जब कंसंट्रेशन मेथड की बात है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें कंसंट्रेशन मेथड मिल गया गेंगू हटाने के लिए। अब हटाना है तो कैसे करेंगे हम कंसंट्रेशन, कौन कौन से? हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया नंबर वन, ये तो सभी के लिए लगाना है हाइड्रोलिक वॉशिंग। मैग्नेटिक सेपरेशन करोगे, सिर्फ मैग्नेटिक फ्रॉथ फ्लोटेशन करोगे सल्फाइड ओर के लिए, और फिर लीचिंग करोगे। लीचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आता है यहाँ से लीचिंग से क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से। एक लीचिंग और एक तुम्हारा और है, वो है अरे अच्छा डायग्राम, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम जेई के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम सिंपल ये देखते हैं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज करेंगे जिससे वो बना सके, ठीक है, आसानी से बन जाए। चलो तो हम बात करेंगे सिंपल, तो पहला क्या याद कर रहे हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो अभी हमने बताया था क्या करेंगे, बोलो। इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन इन वन सच प्रोसेस, एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पाउडर ओर। तो पहले हमने पहले बोला था करते हैं ओर को, बोलो, पाउडर फॉर्म में करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं रनिंग वाटर में सिंपल उसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कराते हैं। अब ये सिंपल एक टाइप का ग्रेविटी सेपरेशन है, कैसा है ग्रेविटी सेपरेशन, इस तरीके से देखो आप देख रहे होंगे ये आपका प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, ठीक है, ओर है, ये ओर है आपकी सारी,
ठीक है। अब डिफरेंट, अब यहाँ पे जो ग्रेविटी डिफरेंस होगा, तो जब ग्रेविटी डिफरेंस होगा कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, कोई जो हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे होगा उससे ऊपर होगा, डिफरेंस होगा ना किस टाइप का है। जैसे आपने देखा होगा, एक जनरल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरीके से आप समझ लो, आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं बोलो, तो आपको ऑयल की लेयर अलग दिखती है, वाटर की लेयर अलग दिखती है। ये आपने कभी देखा होगा जो मड लिया हुआ, मड को आपने जब वाटर में मिक्स किया होगा तो आपको देखो एक अलग अलग लेयर दिखती होंगी, ऊपर कुछ हल्का दिखाई देगा, फिर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो थोड़ी टाइम बाद नीचे बहुत हैवी पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर भी ऊपर हल्के पार्टिकल, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं। जैसे मान लो हम सैंड और मड को मिक्स करना, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी सेम। अब वो डिपेंड करता है किस तरीके का पार्टिकल है ना, किस तरीके का पार्टिकल। लाइटर होगा तो सिंपल सी बात है, तो वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, और जो भारी होगा पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे हो रहा है सिंपल। अब देखो तरीके से, तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग हो रही है सिंपल, वाटर आपने डाला है ना, सस्पेंशन ऑफ द ओर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका गैंग्यू है ना, और ये आपका कंसंट्रेटेड ओर है, ठीक है, यहाँ से निकलता चला जा रहा है, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे आता चला जा रहा है और आपको सिंपल ओर मिलती चली जा रही है, ये नीचे वाला, ठीक है, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहा है, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो निकलते चले जा रहे हैं। अब देखो, तो देखो ध्यान समझना, वर्किंग और यूजिंग। सर इस मेथड के बाद कोई इम्प्योरिटी रह जाती है इसमें? तो इम्प्योरिटी तो भी बहुत सारी है, अभी जैसे मान लो अभी तो हमने मैग्नेटिक इम्प्योरिटी को नहीं निकाला है, मान लो उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वो मेटल होगी उसमें, वो वाली हटाएंगे, तो हम बहुत सारे प्रोसेस से पास कराते हैं। मैंने क्या बोला, ये तो आप सिंपल मतलब चार के चार करने ही करने हैं, ये तो करने ही है, ये तो करने ही है, ये तो कन्फर्म है, निकालने ही है आपको। और ये हाइड्रोलिक वॉशिंग तो सब में ही होता है, जैसे मान लो हमें कोई मैंने मान लो कॉपर लिया है ना, कॉपर लिया, कॉपर की हम खदान में गए, कॉपर की खदान में गए तो सिंपल सी बात, हमने कॉपर निकाला, तो वहां से हमें निकालना ही पड़ेगा भैया, हाइड्रोलिक वॉशिंग सब करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे मान लो जैसे पता लग गया कि भैया हाँ, अब जैसे उन्होंने खदान लिया, उन्होंने पहली बार वॉशिंग किया और उन्हें पता लग गया इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ ही नहीं रहा है ना, तो वो छोड़ देंगे एक आध दो स्टेप, लेकिन हाइड्रोलिक वॉशिंग तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और ये भी बता दूं, जितनी भी ओर होती है पहले उसको हम बिल्कुल फाइन पार्टिकल में बिल्कुल एकदम फाइन कर लेते हैं, तभी करते हैं ये सब प्रोसेस, ठीक है। चलो अब देखो, ये बात तो तुम्हें क्लियर होगी सिंपल, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब देखो अब क्या होगा, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आपकी गैंग्यू निकलता जा रहा है, बोलो ये जो गैंग्यू है ये निकलता जा रहा है सिंपल, और यहाँ पे क्या लिया हमने, सस्पेंशन ऑफ दी ओर लिया, और ये आपको सिंपल क्या मिली, कंसंट्रेशन ओर। अब ये कंसंट्रेशन ओर जो मिल रही है, ये आपकी सिंपल सी बात है ना, कैसा है, हैवी पार्टिकल्स होंगे है ना, और जब हैवी पार्टिकल्स होंगे तो क्या नहीं होंगे बोलो, ये आपके नीचे हो जाए, मैं बोलूं हाईली डेंस पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो पॉइंट आए थे, इसको देख लो, ड्रॉप इन थ्रू द हॉपर, इसको हॉपर बोल रहे हैं, ठीक है, हॉपर में। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट रुको, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल जो अब पावरफुल करंट ऑफ वाटर, बहुत तेजी से पानी यहाँ पे है ना, सिंपल थ्रू द पाइप जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है ना। चलो ये गैंग्यू बाहर निकल गया, वो भी कौन से हैं, लाइट पार्टिकल वाले हैं, लाइटर पार्टिकल वाले है ना, वो करंट वाटर में निकल जाएंगे। चलो ये बात तो आपको क्लियर हो गई, ये तो मैंने भी आपको बता दिया, तो ये हैवियर पार्टिकल है, ये आपको बॉटम में मिल जाएंगे सिंपल। देखो इस तरीके से होता है, देखो कुछ देख याद आ रहा है कुछ, आप रोड किनारे जाते हो कभी कभी, आप कहीं गए हो छत्तीसगढ़ साइड गए हो, कभी गए हो तो आपको इस टाइप से बहुत सारे मिलते हैं, या आप कभी ज्यादा पन्ना वन्ना जाना इस साइड, तो आपको इस तरीके से देखते हैं। ये तो आपको एक सिंपल, ये तो रोड किनारे का वो दे दिया, रोड किनारे भी होता ना ऐसा, इस टाइप से बनाते हैं हाइड्रोलिक वाला, देखिए वो सड़क वड़क जो हाईवे बनाते हैं, ये तो वो वाला उठा लिया इन्होंने उस तरीके से। देखो ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा ये वाला, yes, sir.
बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अभी हाल हमने बताया था सिंपल, यदि मान लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी तो आपको मैंने बताया था क्या वो जो, अरे देखो यहाँ पे मैंने सिंपल दो पट्टे हैं इस तरीके से, इस पे आपकी ओर पड़ी हुई है, तो मैंने बोला था जो मैग्नेटिक वाली होगी वो तो पास आके गिरेगी और जो विदाउट मैग्नेटिक वाली वो दूर जाके गिरेगी सिंपल, क्योंकि वो थोड़ा कहीं ना कहीं उस इसमें क्या होता है मैग्नेट लगा होता है, ये रोटेट होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं ये, आपने आटे की चक्की देखी है कभी? हैं, आटे की चक्की देखी है? हाँ, तो वहीं पे सिंपल रोटेशन होता है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं इस तरीके से। देखो ठीक है ये। चलो ये मैग्नेटिक रोलर है, ये मैंने भी बताया था, ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, इस तरीके से देखो कुछ होता है कंपनीज वगैरह में, जब आप जाओगे माइनिंग वाली कंपनीज में या आप मेटलर्जी वाली कंपनीज में, तो आपको वहां पे ये सब देखने को मिलेगा, इस तरीके की आपको मिलेंगी सारी, देखो इस टाइप से, देखो दिख रहा है? Yes, sir. ये है आपका जो दिख रहा है रोटेशन, इस तरीके से होगा, देखो ये, चलो ये क्या हो गया, अरे मैं पीछे आ गया, देखो यहाँ पे ये रोटेट होने लगा, ठीक है ध्यान से देखना, देखो व्हील, अब देखो जाने लगा इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो जो सिंपल ये व्हील है ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तो आई होप आपको इसको विजुलाइज कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, मैंने इसलिए इसको इस बार पीपीटी ये वाली उठाई, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा मेटलर्जी के बारे में पता लगेगा, जितना ज्यादा विजुलाइजेशन करोगे ना उतना अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें, हाँ भाई इस तरीके से कुछ हो रहा है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक ओर्थ आ गई और मैग्नेटिक ओर्थ आ गई, क्लियर यहाँ तक? अब बताओ। यस सर। देखो यहाँ पे सिंपल जैसे पहला एग्जाम्पल आ, क्रोमाइट ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सिलिकॉन इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो देखो ठीक है SnO2 कैसीटेराइट पोर, ठीक है, ये मैग्नेटिक वॉलफ्रेमाइट, इससे सिंपल इसमें क्या है? मतलब ये बोल रहा है सिंपल, यदि हम बात बोले तो यहाँ पे सिलिकॉन की इम्प्योरिटीज है, और सिलिकॉन की जब इम्प्योरिटीज है तो इसमें कौन सी होती है, SN2 होती है, तो ये क्या होता है इसमें मैग्नेटिक होता है, तो सिंपल आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, एक वो बता रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा बताओ, ये तो याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें, हेमेटाइट, सी ऑप्शन, कैसे लगाया हेमेटाइट बताओ, हेमेटाइट आयरन की ओर होती है ना, आयरन तो आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्ले को अलग, मतलब जो और इंप्योरिटीज है उन्हें अलग कर सकते हैं, ये तो बात सही है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखो रोटेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात करना,
तो जो सरफेस पे जो होती है यहाँ पे सल्फाइड ओर होती है, ठीक है ना, जो कि हम वेटेड कर देते भाई ऑयल से, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ध्यान समझना। अब गैंग्यू हो जाएगा सिंपल किससे, देखो जो आपकी सल्फाइड ओर होगी वो किससे हो जाएगी वेटेड, जो किससे सिंपल वो गीली हो जाएगी आपकी, किससे हो जाएगी, ऑयल से। और जो गैंग्यू होगी वो किससे होगा, वाटर से। देखो ये आपने देखा होगा कभी, आपने देखा है पेपरमेंट का प्लांट, देखा जो कोई गांव वाँव गए हो कभी, देखा है विलेज विलेज। नो सर, इसमें बहुत तेजी से रोटेट कराते हैं, रोटेटर है जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर आपको एक रोटेशन वाला दिख रहा होगा सर्कुलर सिंपल, ये वाला, ये रोटेट कराते हैं। यहाँ से एयर सप्लाई है, इसमें स्लैग भी बनेगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं जो एगी ये रिमूव करता बहुत तेजी से, समझते हैं। देखो तो देखो यदि मैं बात करूं तो हमने ओर को लिया, इसको मिक्स कर दिया हमने वाटर में, ठीक है। और जैसे वाटर में जैसे हमने किया, तो ध्यान समझना, इज मिक्स विद वाटर। अब हमने जो कलेक्टर लिया वो पाइनोल, फैटी एसिड, जेंथे, ईटीजे एंड फ्रूट स्टेबलाइजर, क्या क्रेसोल्स, एनिलीन आर एडिट। ध्यान समझना, ये सब आपके टर्म्स आएंगे सिंपल। एक है आपका क्या, फ्रूट स्टेबलाइजर, दूसरा क्या आपका, बोलो कलेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान समझना, अब जो मिनरल पार्टिकल होंगे वो वेकम वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे सिंपल ऑयल से। और जो गैंग्यू गैंग्यू पार्टिकल होंगे वो किससे हो जाएंगे, बोलो वाटर से। अच्छा एक बात आना, जब आपके ऑयल से जो सिंपल मिनरल गीले हो जाएंगे ऑयल से, या मैं बोलूँ वेट हो जाएंगे, तो क्या होगा पानी में, जैसे मान लो गए, मान लो पानी में गए वेटेड ऑयल वाले, तो क्या होगा उसमें, बोलो। ऊपर फ्लोट करने लगे। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है सिंपल, आपने क्या किया, अब रोटेटिंग पैडल है, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे सिंपल, एक फ्रोथ क्या हो जाएगा, फ्रोथ मतलब समझ लो सिंपल, जो आपने झाग देखा है, झाग उसी टाइप का, जैसे आपने सर्फ डाला पानी में तो वो झाग आता, उसी को हम फ्रोथ बोलते हैं। अब देखो ये क्या है आपका, फ्रोथ हो गया, ठीक है। अब हमने सिंपल, ध्यान समझना एक बात, यहाँ पे एक चीज और है, रुक जाओ, इसमें कुछ ये कंसंट्रेट हो गया, यहाँ पे मिल जाएगी ये, एक मिनट रुको, इसमें ये इस टाइप से देखो, इसमें थोड़ा क्लियर होगा तुम्हें। ये हमने क्या किया, रोटेटर है, ठीक है। अब फ्रोथ कहाँ पे, ऑयल वाला कहाँ आ गया, ठीक है, मिक्स करते गए मिक्स करते गए। पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जो ऑयल वेटेड, आप भी जानते हो जब आप ऑयल वाटर को मिलाते हो तो ऑयल कहाँ आता है, सिंपल सी बात, आना ऊपर ही तो आता है, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, तो जो पानी होगा वो नीचे होगा, और जो फ्रोथ ऊपर, फ्रोथ मतलब समझ रहे हो सिंपल, वो झाग जो बनेगा वो झाग किस में जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा दूसरे वाले। अब देखो इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये आप तब देखोगे जो आप जब फैक्ट्री वगैरह में जाओगे तो इसी तरीके का मिलेगा आपको, सिंपल बना हुआ। देखो इस तरीके से, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग है सब, चलो। इफ टू सल्फाइड ओर आर प्रेजेंट, यदि दो सल्फाइड ओर प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, बोलो। डिप्रेसेंट क्या होगा, बोलो डिप्रेसेंट क्या होगा, क्या यूज करोगे, जब दो आपको और दे दी, और वन और टू, ध्यान समझना। अब आपने क्या डाला इसमें, डिप्रेसेंट डाला और वन का, ठीक है। और अब और वन का जब आप डिप्रेसेंट डालोगे तो क्या हो गया, ओ टू क्या हो गई, अलग हो गई, और वन उसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया पार्टीशन, तो आपको क्या मिल गई सिंपल, और वन और ओ टू मिल गई। तो सिंपल डिप्रेसेंट किस लिए डाल रहे हैं, बोलो, यहाँ पे उन दोनों को अलग करने के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपका। ZnS और PbS और है दोनों, मान लो है ना, आपने उसको डिप्रेसेंट यूज करना है, तो कौन सा यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, NaCN। इसको याद रखना बहुत अच्छे से, तो ये आपको पूछा जाता है। तो देखो आप क्या मिल जाएगा, आपको N2ZnCO CN4 मिलेगा। अच्छा इसका वो बताओगे IUPAC नेम क्या होगा,
कोई बच्चा बताएगा इसका यूपीएससी नेम? बोलो सोडियम टेट्रासाइनेट्रेट जिंक टू क्या होगा बोलो? सोडियम टेट्रासाइनेट जिंक टू जिंकेट होगा ना? यस सर जिंकेट होगा ना? प्लस लेड सल्फाइड, तो दोनों अलग हो गए। देखो ये अलग मिल गया, जैसे हमने NaCN डाला ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो ये तो बता ही दोगे। किताब खोल लो, तुम लोग किताब भी पढ़ते जाओ साथ साथ में, भी कहीं फंस रहे हो तो। ऑप्शन डी। क्या होगा? पाइनोल, वेरी गुड। सी ऑप्शन आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ये सब तीनों किसकी हैं? बोलो सल्फर हैं तीनों में, सल्फाइड ओर को तो कर ही सकता है वो, सल्फाइड ओर को ही करेगा। लीचिंग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो यदि हम लीचिंग की बात करें तो ध्यान से समझना, आपकी कोई प्रोसेस है ठीक है, आप उसको एक्सट्रैक्टिंग मिनरल कर रहे हैं, सॉलिड आपने क्या किया डिजॉल्व किया लिक्विड में सिंपल सा ठीक है, तो अब जो आपकी ओर होगी वो क्या होगी बताओ? जैसे मान लो आपने कोई भी आप प्रोसेस ले रहे हो एक्सट्रैक्टिंग, जैसे लिखा हुआ जो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम ए सॉलिड बाई डिजॉल्विंग देम इन ए लिक्विड ठीक है। अब देखो इट इज यूज्ड इफ द ओर एलोन बट नॉट द गैंग्यू इज सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हो रहा अब आपको, क्या हो रहा बताओ इसका मतलब क्या है? बोलो जो ओर है हम उसको क्रश करके जब एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे जो ओर है वो तो डिसॉल्व हो जाएगा पर जो गैंग्यू है वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, फिर क्या करोगे आप उसके लिए? क्या करोगे उसका? उसे कर सकते हैं सेपरेट आउट, क्योंकि ओर तो डिसॉल्व हो गया। हां उनको फिल्टर कर कर गैंग्यू को हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यदि मैं बात करूं जैसे कुछ ये आपकी बॉक्साइट ओर है ठीक है, इसमें कंटेन हो SiO2 होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, सिंपल आपका टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, ये कैसी इम्प्योरिटीज हैं ठीक है। अब इम्प्योरिटीज हैं, अब क्या होगा यहाँ पे देखो ध्यान समझना, यहाँ पे अब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जैसे मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना ही है, एल्यूमिनिया किसे बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ठीक है ना। और आपको पता है NaOH लिया हमने इसको, प्लस वाटर लिया हमने कितने टेम्परेचर पे? सिंपल 473 से 523 केल्विन के बीच में, और इसका प्रेशर भी लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ 35 या मान लो 40 तक हम ले लेते हैं या 45 तक भी ले लेते हैं, इतना हमें प्रेशर लेना होता है ठीक है। तो ये बन गया, इसका IUPAC नेम क्या होगा कोई बच्चा बता सकता है? सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट थर्ड होगा या टू होगा? थर्ड ठीक है। तो ये मिल गया आपको। अब देखो अब यहाँ पे सिंपल ये आपका Al2O3 मिल गया इज लीज्ड सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहाँ पे देखो सिंपल यहाँ पे SiO2 निकल गया ठीक है,
ये आपकी क्या हो गई, इम्प्योरिटी निकल गई, आपकी TiO2 भी निकल गया है ना, आपने सब निकाल दिया, इम्प्योरिटी के रूप में ये सारी चीजें निकल गई, तो मिला क्या आपको, सिंपल ये आपको एक्वा सॉल्यूशन मतलब आपको डिजोल्व फॉर्म में मिल गया। जैसे मान लो आपका कोई भी आप कंसंट्रेशन जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको डिजोल्व फॉर्म में क्या मिल जाएगा, आपको ये सिंपल लीचिंग में ये आपको मिल जाएगा। अब देखो अब हम क्या करें, ध्यान समझना, अब हमने सिंपल इस सोडियम एल्यूमिनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, ये आपको पता है बेस है, ये आप बेस है, तो ये जब आप इसको न्यूट्रलाइज करोगे तो हमने इसको क्या कर दिया, CO2 गैस पास करा दी। अब जैसे ही हमने इसकी CO2 गैस पास कराया तो हमें क्या मिल गया, Al2O3 डॉट XH2O, कुछ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होंगे, प्लस NaSCO3, हमें मतलब क्या मिलेगा, इसका प्रेसिपिटेट आउट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा सिंपल। अब आपको ये सिंपल क्या मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अब देखो अब आप क्या करोगे, इसको आप सिंपल फिल्टर कर लोगे, ठीक है ना, और जब आप फिल्टर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बोलो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम इस फिल्टर हो जाएगा, और आप जब ड्राई करोगे और जैसे हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलो प्योर Al2O3 मिल जाएगा। अब पता है Al2O3 के बाद तुमने सुना होगा जब आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएंगे, या आपको पता है अभी आप पढ़ोगे दो चीजें और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी सुना होगा आपने, यार सुना है किसी ने, है ना। हम जैसे कैल्सिनेशन की बात करते तो क्या कौन सी और का कर पाते हैं कैल्सिनेशन, सिंपल कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर वो इम्पोर्टेंट। और पहली बात सिंपल सी बात है, आप जब किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको, CO2 प्लस और मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड मिलता है ना, ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है सिंपल, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट की होती है। और रोस्टिंग भी आपने सुना होगा, क्या होता है रोस्टिंग में, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपल मिल गया, आपने इसको हीट किया, ठीक है, और तेजी से, तो आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आपके निकल जाएंगे, तो Al2O3 आपको क्या मिल जाएगी, सिंपल प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर। अब देखो और भी एग्जांपल्स हैं सिंपल, तो आपकी और भी एग्जांपल्स हैं, सिल्वर और गोल्ड को भी आप यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है, वो उस केस में आप क्या लेंगे, NaCN और KCN लेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बोलो डी ऑप्शन। हाँ, आयरन ऑक्साइड तो हो ही जाएगा, SiO2 तो होता ही था, TiO2 भी होता था, तो डी हो जाएगा। ये बताओ, ए ऑप्शन, वेरी गुड, NaOH यूज कर रहे थे, देखा भी था हमने अभी, ठीक है, जब हम Na यूज कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, Na2 AlOH का होल फोर मिल रहा था ना, सॉरी NaAlOH का होल फोर, चलो क्रूड मेटल का मतलब क्या होता है, और कंसंट्रेटेड ओर, बोलो अब मतलब मेटल का क्या है, बोलो कंसंट्रेशन ज्यादा है उससे क्या निकालना है, बोलो जो एक्चुअल मेटल है, क्यों वही तो निकालना है, ये हमने सिंपल फर्नेस करा, देखो आप देख रहे होगे इस टाइप का सिंपल, आपने 11th में भी देखा होगा, और आप जब किताब देख रहे होगे NCERT तो आपको वहां भी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखो ये फर्नेस को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं सिंपल, याद है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कुछ नहीं है इसका उपाय। आप यहाँ पे क्या करते हो, मोल्टेन आयरन लिया आपने, सिंपल क्या किया, देखो इसको हीट करते चले गए, Fe2O3 है जैसे मान लो, आपने हीट किया तो क्या मिला, FeO CO2, आयरन ओर लिया, फिर आपने Fe2O4 लिया, ये कुछ गड़बड़ है ना, एक मिनट को ये Fe3O4 है, क्या बोल रहे बेटा सोमिल,
उसकी वो कर रहे हैं ना जो आयरन है उसके एक्सट्रैक्शन करेंगे ना उसे तो। उसी से करते हैं, थर्माइट रिएक्शन है। कैल्शियम लाइम स्टोन भी ले लिया, मिलता तो आयरन बना। एक मिनट रुकना, ठीक है समझ गया मैं। ठीक है वही कर रहे हैं एक्चुअली, कैल्सिनेशन रोस्टिंग की बात आ रही है, अभी आएगी आगे। हम थोड़ा सिंपल यहाँ पे एयर के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको जैसे मान लो हमने आयरन ले लिया, मोल्टेन आयरन है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने जैसे इसमें एयर पास कराया तो जो क्या हुआ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ाते 2170 बहुत ज़्यादा, फिर कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया। ये साल नीट में क्वेश्चन आया था इसका, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 2170 आंसर था, यानी 2200 कुछ ऐसी कुछ आंसर था उसका, इसका टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होता है, समझ रहे हो? तो सिंपल, जब आप इसको हीट करोगे तो आपको FeO मिला, जब आपने Fe3O4 को CO पास करा ये भी मिला लाइमस्टोन। इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल। अभी हम देखेंगे सब। ऑक्साइड प्लस CO2 मिल गया। अब आपने कैल्शियम ऑक्साइड की SiO2 से रिएक्शन कराया तो CaSiO3, याद हो मैंने ये पहले भी जिक्र किया था सिलैक का, याद है जब बोलो सिलैक बनता है। ठीक है, अब आपने FeO की रिएक्शन जब CO से कराए तो Fe प्लस CO2, ये सब CO क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पे बचा गया कार्बन ने रिएक्शन CO2 से कर दी, कार्बन मोनो C ने O2 से कर दी, CO2 मिल गया। अब जब आपने सिंपल FeO की रिएक्शन, ये कार्बन क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, देखो तुम सिंपल FeO प्लस C गिव्स Fe प्लस CO, तो आपको क्या मिल गया, आयरन मिल गया सिंपल। यदि आप नोटिस करेंगे तो FeO क्या है आपका, बोलो यहाँ पे आप देख रहे हो तो FeO क्या है, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना। जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल रिडक्शन हो रहा है ना, प्लस टू से भी वैसे भी जीरो में जा रहा है, बोलो। और ये किस में जा रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही तो आपको भी सीखना, अभी आप ये हम आगे बताएंगे जब मैं आपको एलिंगम डायग्राम पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। चलो तो देखो, ये आपने सिंपल, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, हमने ओर्स पढ़ लिया, कंसंट्रेशन पढ़ लिया, जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो यदि मैं एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, क्रूड मेटल कहाँ से निकालना है, मैं कंसंट्रेट ओर से। तो देखो यहाँ पे सिंपल हम दो मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड इफ द ओर इज नॉट एन ऑक्साइड। ठीक है चलो, मतलब ऑक्साइड नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल, चलो ठीक है दोनों करते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा कैल्सिनेशन प्रोसेस है ना, और रोस्टिंग की बात याद आ रही होगी। तो कैल्सिनेशन में आप क्या लोगे, अच्छा किसी भी कार्बोनेट को आप हीट करते हो, जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट ले लिया तो आपका क्या बनेगा, आपने मान लो जिंक ऑक्साइड है ना प्लस CO2। अब मान लो हमने Na2CO3 को हीट कर दिया, मान लो हमने MgCO3 को हीट कर दिया, बताओ किसना, यस सर बताओ क्या बनेगा, Na2O प्लस CO2। यार तुम लोग ना ध्यान नहीं देते हो, बता दिया सर, नहीं ना गलत बोल रहे हो, किसना भूल जाते हो सारी चीजें। हमने बोला था सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके कार्बोनेट का कभी भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। यस सर। हैं तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे बनता है MgO प्लस CO2। तो याद रखना कभी भी आपका पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, यदि मान लो मैं यहाँ पे सिल्वर कार्बोनेट ले तब क्या मिलता, हीट करना कुनाल बताओ, उसमें एजी मिल जाता,
इजी मिल जाता, वेरी गुड। और कोई हमने बताया था यदि याद हो तुम लोगों को, हापा, एजी मर्करी और प्लेटिनम के सॉल्ट्स में हीट करने पे मेटल मिलता है। गोल्ड और हापा है ना, मरकरी, एजी, प्लेटिनम, गोल्ड। हापा को आप कभी भी हीट करेंगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगी बोलो, हमेशा आपको मेटल मिल जाएगी। आप देखो यदि आप इसको करेंगे तो AgO मिलेगा, Ag2O मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। अब आप इसका फर्दर हीटिंग फर्दर हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, Ag प्लस O2 और मिलेगा, तो आप देखेंगे आपको सिंपल मेटल मिल जाती है। इस बात को ध्यान रख लो कहीं भी, भैया मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप हापा का कभी भी हीटिंग, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे वो बाई कार्बोनेट हो, हापा के आपको हमेशा आपको सिंपल मेटल मिलेगी। ठीक है, चलो। तो कैल्सिनेशन की यदि मैं बात करूं, अब्सेंस ऑफ एयर होता था, ठीक है, चलो। तो जैसे मान लो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ऑक्साइड ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखो जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट ले लिया, हम इसको हीट करेंगे, ZnO प्लस CO2 बन गया, इसको क्या बोलते हैं याद है, कौन बताएगा इसका नाम, बताओ बताओ नाम, इसका क्या नाम है, सर इसके और का नाम बताना है डोलोमाइट सर? डोलोमाइट था शायद। डोलोमाइट, वेरी गुड। डोलोमाइट की तुम बात बता रहे हो, तो जब हम डोलोमाइट की बात तुमने बताई तो ये सिंपल आपका बन गया। अब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, CoMgO प्लस CO2। ठीक है, तो ये सिंपल आपका जब ऑक्साइड बना दोगे तो ऑक्साइड के बाद तो बहुत आसानी से वो क्या बन जाएगा बोलो मेटल बन ही जाएगा, मिल जाता है। रोस्टिंग किसे बोलेंगे बताओ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिल्कुल। जनरली इसमें क्या, कौन सी ओर सर होती है जनरली बोलो, सल्फाइड ओर, जैसे ZnO, ZnS प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो तो क्या मिलेगा, ZnO प्लस SO2 मिलेगा। लेड सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो तो लेड ऑक्साइड प्लस SO2 मिलेगा। कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन, अच्छा एक क्यूब्रिक होता है, क्यू प्लस होता है, क्यूब्रिक किसे बोलते हैं, Cu प्लस वन या प्लस टू, प्लस टू, ठीक है। तो ये कौन सा लिखा है, कॉपर क्यूप्रिक सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड? क्यूप्रस। क्यूप्रस, ठीक है, चलो। कुछ लैग बोलते हैं FeO की रिएक्शन, जब आप किसी भी, आप मान लो FeO नहीं, आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, उसकी रिएक्शन आप SiO2 से करा दो तो क्या मिलता था, CaSiO3। ठीक है, आप इसको सिलका बोलते हैं, SiO2 क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपल सिलका बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब आप आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन, सिंपल आप रिबो कन्वर्ट होता है आयरन सिलिकेट में, तो उसे हम बोलते हैं स्लैग, क्या बोलते हैं, स्लैग, या आप FeO बोल दो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद रख लेना बहुत अच्छे से, कॉपर मैट क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे, कॉपर मैट किसे बोलते हैं, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड और लिटिल बिट फेरस सल्फाइड, इसे क्या बोलते हैं, हम कॉपर मैट बोलते हैं। स्मेल्टिंग भी बहुत अच्छा हो, ध्यान समझो। अब देखो आपको स्मेल्टिंग में कुछ नहीं करता, सिंपल आप रिडक्शन कर रहे हो ना, आपने जो ऑक्साइड बनाया बोलो, आपने जो ऑक्साइड बनाया चाहे वो आपके कार्बोनेट हो या आपके सिंपल सल्फेट्स, आपने सल्फाइड के का बनाया, अब आप उसमें क्या करोगे, जैसे मान लो आपने ZnO लिया आपने कार्बन की रिएक्शन करा दी, कोक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसी को तो हम स्मेल्टिंग बोलते हैं बोलो, इसी को क्या बोलते हैं, हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो ये समझ ना, ये तो इसमें तो ठीक है, ये बन गया, ये क्या बनाया इसने, CU2 है। अब आप इसको क्या करोगे, रिडक्शन करोगे सिंपल, देखो ये है सिंपल आपका स्मेल्टिंग, आप देख सकते हो जब आप ऑक्साइड, तो यहाँ पे एक्स सी क्या लिया तुमने, सिंपल सी क्या है यहाँ पे बोलो,
सी क्या है, सिंपल आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल स्मेल्टिंग, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो अब आप देख रहे हो सिंपल क्या मिल गई आपको, जो आपको क्रूड मेटल चाहिए थी कंसंट्रेटेड ओर से वो आपको मिल गए। चलो तो देखो ये मैंने क्या बोला, एलिंगन एलिंगन डायग्राम में आप इसको पढ़ेंगे क्या लिखा बोलो। अभी हमने पहले ही बात किया था, जो सिंपल सी बात है, आप टेम्परेचर डिपेंडेंस है, रिडक्शन थर्मल रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है किस टेम्परेचर पे, ये आप किससे पढ़ते हैं बोलो, एलिंगम डायग्राम पे पढ़ते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बोलो डेल्टा जी है ना। अच्छा डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी किसे बोलते हैं बच्चा बताए, रैंडमनेस। अच्छा मतलब रैंडमनेस, आप सिंपल सी बात ये बोलो, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी, ठीक है। अच्छा सॉलिड लिक्विड गैस दे दिया तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा और कम होगी, गैस की होगी, सॉलिड से कम। अच्छा ठीक है, बताओ फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड, सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट क्या कार्बन, कार्बन सर डी ऑप्शन है, चाहिए कार्बन। सही है, एलिंगम डायग्राम अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, थोड़ा ये सब हम यहाँ तक बताओ, लास्ट में पढ़ाऊंगा एलिंगम डायग्राम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसको मैं थोड़ा इसके कर्वर बनाना भी सिखा दूंगा, वो मैं आपको सोच रहा हूँ उससे सिखा दूँ, पेन पेपर से भी सिखा दूंगा, इससे भी दिखा दूंगा, दोनों तरीके से दिखा दूंगा। इस तरीके कर्व बन रहा है ना, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये आपका कर्व बन गया, अरे यहाँ तक बताओ किसी कोई डाउट, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर वो जो बेनिफेक्शन वाला प्रोसेस था सर, वो कंसंट्रेशन था या हाइड्रोलिक वाला था? कौन सा वाला बेटा? सर आपने स्टार्टिंग में तीन नाम बताए थे ना, एक कंसंट्रेशन वाला नाम था शायद उसका, बेनिफेक्शन को कंसंट्रेशन में बोलते हैं या सर हाइड्रोलिक वाले में बोलते हैं? की बात में याद नहीं आ रहा अभी, तो मैं किसकी बोल, एक मिनट को सर, बेनिफेक्शन जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रोलिक वॉशिंग को बोलते हैं, कंसंट्रेशन ओर के निकालने को बोलते हैं? बेनिफेक्शन, यस सर, ये हम बेनिफेक्शन तो हमने सिंपल उसको बोला था, कंसंट्रेशन वाले को बोला था है ना, ओके सर, उसी को तो बोला था ना हमने, कंसंट्रेशन वाले को ही बोला था, उसी को सिंपल हमने आई थिंक वो भी बोला था ड्रेसिंग है, कौन सा एक नाम और बोला था मैंने, ड्रेसिंग, हाँ सिंपल, वो तो याद ही रखना पड़ेगा, इसलिए नाम मुझे भी याद नहीं रहता है। तो यहाँ तक तो तुम्हें मैंने बता दिया, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर, चलो आपने ये सब पढ़ लिया तो आज इतना ही रहने देते हैं। और बताओ तुम, एलिंगम डायग्राम आज मुझे पढ़ाना नहीं है क्योंकि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी इसमें एक चीज और पढ़ा, एक तुम लोगों ने टेंथ में एनोड मड के बारे में सुना होगा, सुना है? यस सर, यस सर, किसे बोलते थे एनोड मड?
डिपॉजिट करते थे हम्म, जो एनोड के नीचे डिपॉजिट करते थे। अच्छा वो जनरली आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते थे उसको, वो कब करते हो आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? तो आप यहाँ भी करोगे, लेकिन आपको पता है जब देखो दो टाइप की आपकी कंबाइन स्टेट में आपको मेटल मिलेगी या आपको सिंपल किस स्टेट में मिलेगी बोलो, नेटिव स्टेट में। तो जब आपको कंबाइन स्टेट में मिलेगी तो कंबाइन स्टेट के किस में क्या करोगे? बोलो कंबाइन स्टेट में ले तो हम उसके लिए ये सब प्रोसेस नहीं लगाते, उसके लिए अलग प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो वहां पे हम सिंपल एक्वा जैसे NaCl है, मान लो Na है, सोडियम की आपको और मिली, उसको आपको अलग करना है, तो आप कैसे करोगे बोलो? उस केस में क्या लोगे आप? इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो ये अंतर होता है सिंपल। तो वहां पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, और याद रखना एनोड मत उसे बोलते हैं जो इम्प्योरिटी मिलती है ना, आपने सुना होगा सिंपल इस तरीके से, कैथोड होती है, एनोड होती है। देखो एक कैथोड एक एनोड, ठीक है? तो आपको पता है कैथोड एनोड लेते हो तो आपको जो मिलता है वो सिंपल एनोड के नीचे क्या मिलता है? एक इम्प्योरिटी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं, सिंपल। तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तुम कहो तो मैं एलिंगम पढ़ाऊ, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, खत्म भी नहीं होगा, मुझे कुछ चीजें उसमें बतानी भी है। तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ लें क्या? एक बार कर लें खत्म, फिर ना पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए नहीं कर रहा ना एलिंगम, इसलिए करी, छोटा टॉपिक नहीं हो, बड़ा टॉपिक है वो, एक एक क्लास पूरी ले जाए, आधी क्लास, आधी से ज्यादा क्लास ले कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे, वही सोच रहे हैं। और इससे क्वेश्चन बनता है, इसको मिस मत करना, एक क्वेश्चन मिलेगा सिंपल आपको। ये वाली आपने पढ़ी होगी। अच्छा यदि मान लो जैसे आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम, ये सब पढ़े हो ना तुम थोड़ी बहुत चीजें? यस सर। चलो ठीक है, तो अब बता दो यहाँ तक तो तुम्हें क्लियर हो गया, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक तुम्हें क्या दिक्कत, मतलब ये मेटलर्जी तो हो जाएगा, फिर इसके बाद मुझे बताओ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने को रिवीजन करने के लिए, कहाँ से उठाना चाहिए? सर वही पूछने वाला था मैं। पहले बोलो, पहले टर्म टू का करवा दो, उसके बाद वापस रिवाइज कर लेंगे। टर्म टू का तो हो गया पूरा? नहीं सर, मतलब टर्म टू का पहले रिवाइज करा दो, बाद में टर्म वन का रिवाइज करा दो। मैं सोच रहा हूं टर्म टू का भी मत करो, पेपर के टाइम ही कर लेना। अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे 100 क्वेश्चन ले आए, 50 क्वेश्चन ले आए, आप करो सॉल्व, हम भी करेंगे, यही करा देंगे सारे। जैसे ऐसे सही रहेगा, जैसे अगर हफ्ते में दो क्लास होंगी केमिस्ट्री की, तो एक क्लास में फिजिकल कर लेंगे, दूसरी क्लास में ऑर्गेनिक कर लेंगे, या फिर इनऑर्गेनिक कर, ऐसी कर ले, जैसा भी करना हो तो मुझे शेड्यूल बताओ कैसे क्या करना है रिवीजन का, मुझे बस बता दो। 11th या तो 11th ही चलो, फिर मैं एक महीने 12th पे नहीं आऊंगा। सर पहले 11th ही कर लेते हैं, तो एक महीना में करना पड़ेगा सब कुछ। तो हम जितना, हम 11th करा देते हैं रिवीजन, जो तुम्हारे चैप्टर वीक हो वो बता देना, मैं पहले वो भी करा दूंगा, एक चैप्टर थोड़ा सा वो बता दूंगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? वहां से क्वेश्चन आता है वो बेसिक बता दूंगा, एक क्लास ले लूंगा उसकी, तो वो खत्म हो जाएगा। वो मैं आधे घंटे का है, ज्यादा नहीं, आधे पौने घंटे पढ़ा दूंगा, मेन चीजें सिंपल, क्या आपका ये सब, अरे उसमें तो ओजोन फॉग गॉ, ये आपका स्मोग क्या होता है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं बायो वाले बच्चे, लेकिन बस इंजीनियरिंग वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सब बता देंगे, ठीक है ना?
लॉस एंजल्स किसे बोलते हैं, है ना, फॉग, ये सब पढ़ेंगे अपन डिटेल करा देंगे एक, उसको अभी करा देंगे। तो एक काम करते हैं, 11th 12th साथ में लेके चले, 11th साथ में लेके चलते हैं सर। या दो साथ चैप्टर में उठाए ठीक है सर, साथ में साथ में ठीक ठीक रहेगा। तो एक चैप्टर 11th का उठाते हैं, एक चैप्टर 12th का उठाते हैं रिवीजन में, है ना। यस सर। ये तुम्हारा बस दो एक लेक्चर लगेगा इसमें मेटलर्जी में, या 1.5 लेक्चर लगेगा खत्म ये चैप्टर। तो उसी जिस लेक्चर में खत्म होगा उसी दिन मैं सोच रहा हूँ वो भी इन्वायरमेंटल भी करा दूंगा, तो खत्म हो जाए इन्वायरमेंटल भी, ठीक है। फिर कुछ बच नहीं रहा, फिर जो एडवांस लेवल पे बचा हुआ है वो मैं करा ही दूंगा एक्स्ट्रा। कुछ टॉपिक्स होंगे एडवांस में, एक बार तुम लोग चेक कर लो, कुछ छूट रहा हो तो बता देना मुझे, ठीक है। दिव्यांशी यस सर। सही कैसी, क्या पढ़ाई चल रही है? चल रही है। बढ़िया, मस्त। चलो, तो पेपर अभी तो डेट आई नहीं रही है तुम्हारी उसकी, जेई मेंस की, पता नहीं इस बार क्या करना चाह रहे जेई मेंस वाले। शायद पोस्टपोन कर, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शायद जनवरी में आएगा। और उसको भी शायद उन्होंने रोक दिया, किसका? ये एनटीएससी का भी पोस्टपोन कर दिया, 16 को नहीं है। सर एक एग्जाम और आ रहा है 9th को, 9 जनवरी को, किशोर वो कौन सा है, वैज्ञानिक। कौन सा? सर किशोर वैज्ञानिक वाला होता है ना, किशोर अच्छा वैज्ञानिक। के भी भाई तुमने डाला था क्या? तो यस सर। दे दो भैया अच्छे से दे दो, हम तो कहते फोड़ दो ये पेपर। यही के सर वैसे सर इंजीनियरिंग एंट्रेंस में कौन कौन से देने चाहिए अभी? भी भाई दे दो, है ना। और तुम बिट एक सेट। बिट सेट दे दो, मणिपाल देना हो दे दो, वैसे मणिपाल की फीस यदि अफोर्डेबल कर सकते हो तो दे दो, है ना। BITEEE दे दो, दूंगा। BIT, लेकिन उसके लिए बेलोर का अच्छा ही मिले कॉलेज तो ही है, ऐसा उल्टा सीधा ना मिले, है ना। अब तो DU का भी शायद आई थिंक मुझे लग रहा है पेपर स्टार्ट हो गया, यस सर। यस सर। पहली बार देना है तो, है ना। एंट्रेंस तो DU का भी एंट्रेंस हो गया, तो DU का भी डालना है तुम्हें। TU का जैसे DU टेक्निक TTU अच्छा समझ में है से उससे एफिलेटेड है जेई से। जेई से, हाँ। तो जेई तो डालना ही है उससे, तो एफिलेटेड शायद इस साल सुना था मैं, चल परसों मेरे ओनर थे वो बता रहे थे कि DU में भी शायद आई थिंक पेपर, मुझे पता नहीं है तो मैंने पूछा यस तुम, सर। यस सर, ये कंफर्म है हो ना, जाएगा। कंफर्म कंफर्म है। तो मुझे वही देखे इंटेंस होगा, क्योंकि उसकी सुन रहे थे कि वो कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, इसी वजह से पेपर दे दिया। ये हो जाएगा, और दे दो मणिपाल, ये हो गया, ये हो गया BITEE बिट्स हो गया। एक UPTU का भी पेपर दे देना, यूपीटीयू। हाँ UPC लिख लो। अच्छा सर ये कौन से के लिए होता है? ये एक्चुअली UPC क्या होता है, ये पहले UPTU उत्तर प्रदेश में होता था, उत्तर प्रदेश में अभी भी होगा, तो 5% का रहता, 10% का बाहरी लोगों को भी। अच्छा HPTU में चले आए या तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाता वहाँ भी, अच्छा है ना, तो वो भी डाल देना। और महाराष्ट्र का डालो मत MSTC, उसका कुछ मतलब है नहीं एक्चुअली, इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं होता बाहरी की, जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा आपको, बस इतने डाल दो बहुत है। पहली बात तो टारगेट तुम्हारा एडवांस है, तुम्हें तो वो तो निकाल नहीं है। यूपी से मेडिकल के यहाँ लिए पे यूपी यूपी में कितने लोग हैं यहाँ से? नहीं है किसी का, नहीं लग रहा यूपी वाला सिस्टम ठीक। अच्छा मेडिकल के लिए क्या नीट है और क्या है और कौन सा एग्जाम, और कोई है ही नहीं मेडिकल के लिए। अब क्या नहीं BSc BSc तो करनी नहीं है कि DU का सर। डाल दो या ये तुम्हारा एक ही है सिस्टम सीधा कि भैया नीट ही करनी है, नीट के थ्रू यस सब सर। हो रहा है, BDS जो भी करना है। तो देखो बशर्ते बस वो तभी होगा जब तुम लोग अब मेहनत कर लो, थोड़ा 5-6 महीने अच्छे से लगे रहो, पेपर भी आएंगे उसी टाइम सब, यही है और बस 6 महीने की मेहनत, पूरी जिंदगी ऐसा है। ऐस बोले तो ऐस तो नहीं, टेंशन तो तब भी रहेगा पढ़ाई का, लेकिन हाँ एक सिक्योरिटी आ जाएगी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। कार्बो कटाई नहीं होता जैसे स्टेबिलिटी उसको आ जाती है टर्सरी से, इसी तरीके से तुम भी स्टेबल हो जाओगे, तो इंटरमीडिएट तो ही तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो एक तुम्हें एक सेट मिल जाएगा, लाइफ का गोल मिल जाएगा कि हाँ भाई अब हम सिक्योर हैं। नहीं तो लोग पैसा खर्च करके भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन रहे। देखो एक बात ध्यान रखना, लाइफ में हमेशा जॉब की कमी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स की कमी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप जब अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनोगे तो मुझे आई थिंक लगता है कि आपको कहीं जॉब की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी, आगे भी नहीं आएगी। और जब एक ब्रांड वैल्यू होती है ना, वुडलैंड पहनते हो, मुफ्ती पहनते हो आप, या
अदर ब्रांड कुछ भी पहनते हो तो आप एक अलग ही चमकते हो, बाहर से दिखते हो। तो ये एक्चुअली बीटेक सभी कराते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टरी भी तुम करते हो नीट के, तो सभी कॉलेज प्राइवेट भी कराते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा है? गवर्नमेंट की, है ना। आईआईटी में जाते हो तो आईआईटी की वैल्यू है ना, टैग वैल्यू बढ़ गई ना, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। नीट में जाते हो, एम्स में जाते हो, या नीट के किसी कॉलेज में जाते हो, तो आपकी एम्स की अलग होगी वैल्यू, है ना, और नीट की कॉलेज की अलग होगी। तो ब्रांड वैल्यू है, जितना अच्छा जाओगे। इसलिए मेहनत कर लो अच्छे से, जितना मेहनत कर लोगे उतना अच्छा पहुंच जाओगे, नहीं तो फिर 6 महीने बाद पछताओगे, अरे यार मैं पढ़ लेता काश में, फिर ड्रॉप लेते फिरोगे, अरे यार ड्रॉप ड्रॉप लेते था हूँ। देखो मैं एक बात आ दूँ, एक मेरा परसेप्शन है, आप कभी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो जो रेगुलर स्टूडेंट होता है ना उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, इतना ड्रॉप आउट की वैल्यू नहीं होती है। आपको जॉब ऑफ भी लोगे, जैसे मान लो कोई भी दो दो तीन तीन साल ड्रॉप ले लेता है, मतलब नहीं है। आप 3 साल ड्रॉप ले लोगे, जब आप जॉब भी ले जाओगे तो आपको उतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा जो 12th के साथ मिलता। और जो रैंकर्स भी होते हैं ना, टॉप रैंकर्स, टॉप 10 या टॉप 5, तो वो आपके हमेशा रेगुलर बैच के होते हैं 11th 12th के। और यदि आप लोगों के दिमाग में है कहीं जाके कि मैं ड्रॉप लूंगा या ड्रॉप लूंगी, तो भैया आगे तो आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं कि हम 1 साल अच्छे से, एक जब तुमने 2 साल का सिलेबस, 2 साल का सिलेबस 2 साल में नहीं पढ़ पाया, तो 1 साल में 2 साल का सिलेबस कैसे पढ़ोगे? सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा किसी के दिमाग में तो नहीं, थोड़ी ना सोच के बैठेंगे। नहीं, कुछ बच्चे सोच के बैठते हैं, कुछ बच्चे सोच के बैठे, इसलिए जिक्र किया ना हमने कि कौन कौन सोचे दोबारा से हैंड रेज करना कि मैं तो ड्रॉप लूंगा सर तभी फोड़ूंगा अब, क्यों? सब चले गए, बोले नहीं सर ऐसा तो प्लान नहीं है, जो करना है इसी बार करना है, फोड़ के आओ मस्त तरीके से, ठीक है, और मस्त हो जाएगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन तो होना ही है, देखो सिलेक्ट तो हो जाओगे, सिलेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन तो सभी का होना है। आप उस में कितना अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 33%, और 33% से भी कम चाहिए, बहुत आसानी से आ जाते हैं। जेईई मेंस में 100 नंबर चाहिए होते हैं, पास हो गए अब, लेकिन कितना अच्छा मार्क्स ला रहे हो वो डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो सिलेक्शन तो सबका है, मैं कह रहा हूँ अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल है, तो अच्छे कॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। इस साल की लोग सोचे थे कट ऑफ कम जाएगी कम जाएगी कम जाएगी, नहीं गई, ज्यादा ही चलेगी लौट के नीट में। सर अभी तो आई नहीं, आई क्या नहीं आया, वो तो केस फंसा हुआ है, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है, और क्या हो रहा है, सब किसी को क्या लेने, सब कुछ चुनाव की पड़ी हुई है भैया, पॉलिटिशियंस हैं भैया, चुनाव दो, चुनाव होने दो। सर अब तो जनवरी आने वाला है, अभी तक नहीं हुआ एडमिशन भाई, तो मैं बता रहा हूँ, और लोगों का फ्यूचर कैसा भी है जाने दो, क्या है 1 साल और ज्यादा पढ़ लेंगे, ये नहीं पता कि भाई 1 साल बढ़ने पे उनका घर परिवार सब हिल जाता है, उन्हें क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी फिर, हैं मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी फिर। मेंटल बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा, इतनी मेहनत करके छाने निकाला है भाई, उनमें कुछ लोगों को डाउट है नहीं हो रहा है, अब वो कहीं के नहीं रहे, कुछ लोगों ने सोचा हुआ 550 में मिल जाएगा, सोच रहे होंगे भैया नहीं हुआ उसका तब क्या होगा, वही सोचे बैठा है नहीं हुआ तो क्या होगा। जनरल वाला तो वैसे कितने भी नंबर पे नहीं सोच सकता कि नहीं, वो तो नहीं सोच सकता ना, 630 मार्क्स पे भी इस बार बड़े अच्छा कॉलेज मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इस बार बहुत हाई। अब जी बताओ 720 वाला मार्क्स लाने वाला बंदा वो भी खुश नहीं है इस टाइम, तो क्या है अब वो क्या कर दे, वो भी टॉपर नहीं है इस बार, अब क्या करते बताओ, उसमें। अरे सब ऐसे ही, सब दिखावा है, सब कुछ
सब दिखा हुआ है, सब कुछ बेवकूफी है, कुछ चल रहा है काम बस। सब पेपर में डिलीटेड टॉपिक में से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डिलीट करने का फायदा क्या था? अरे सब वो सब उन्होंने उन्होंने क्या किया, नीट जेई के क्वेश्चन उठाए डाल दिए कुछ क्वेश्चंस। यस सर, वो फिजिक्स तो सर नीट के भी नहीं थे, एडवांस करके किसमें सर फिजिक्स के नीट के डाल दिए होंगे, डाल उन्हें कुछ उन्हें थोड़ी ना देना था पेपर, पेपर उन्हें थोड़ी ना देना था, उनको तो खिलवाड़ करना है। मैं बता नहीं, पूरा सिस्टम बेकार कर दिया यार। एक अभी दिख रहा है, अभी बेरोजगारी देखना ना आगे क्या होगा, आगे वो हालत होगी ना कि मतलब समझ में नहीं आएगा। कभी अगर 2 से 3 साल में हो गया तो बढ़िया है, वरना फिर बाद आगे का कुछ नहीं है। तुम ये बताओ, इस कोरोना काल में जिसने पढ़ाई की वही बन गया, और जिसने पढ़ाई नहीं की वो तो लग गई ना उसकी नैया। अब कुछ बच्चे तो ये मान लो तुम लोग तो पढ़ रहे हो अच्छे से, सिंसियर हो, पढ़ रहे हो, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो उनका तो वो तो 10th से पास आउट है। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने मिले, मुझे मिले इस साल, ऐसे ऐसे कुछ बच्चे मिले जो 10th से पास आउट है, सीधे फाइटर में सीधा उसमें आ रहे हैं, क्या होगा उनका हाल बताओ? पढ़ाई नहीं है 2 साल तो कहाँ, कितना लॉस है भैया, कितना लॉस है, हमारे सिस्टम का लॉस है ना कहीं ना कहीं। और हम लोग क्या बताएं, सब ठीक है, क्या पढ़ना है। चलो ठीक है, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है, ऑटोमेटिक सक्सेस मिलेगी। बस फोकस करो पढ़ने पे, स्टडी सेल्फ स्टडी टाइमिंग बढ़ाओ जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो इस टाइम। हमारे स्कूल वाले भी क्लासेस ले रहे हैं स्कूल में ऑफलाइन उठा के, स्कूल वाले तो बेबस। तुम बात करो ना टीचर से, अपना बनाओ प्रैक्टिकल के नाम पे, हमें तो मना कर दिया। टीचर्स को मनाओ, बोलो भैया सर मैं आपको सिलेक्शन भी दे रहा हूँ कुछ, और बोर्ड में भी मार्क्स दूंगा, बोलो बात करो थोड़ा। मैं तो बोल रहा था, सर ने कहा था, हमें तो सर ने बोला है कि बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, नीट क्रैक करके देखो। हाँ तो बस वो एक्चुअली हर स्कूल का अलग अलग होता है ना, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, इंसान की वैरायटी है। जैसे आप पढ़ते हो ना सिंपल वैरायटी है ना, तो वेरिएशंस पढ़ते हो, तो वेरिएशंस है आप भी, सबके अपने अपने वेरिएशंस हैं। चलो ठीक है फिर, दैट्स इट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। सर ये पीपीटी भेज, गुड नाइट। हां अभी भेज, अभी भेज दो।